इस प्रकार संध्योपासन समाप्त होने पर क्रमशः ब्रह्मा जी का, मेरा, शंकर जी का, प्रजापति का, देवताओं और देवऋषियों का, अंगों सहित वेदों, इतिहासों, यज्ञों और समस्त पुराणों का, अप्सराओं का, ऋतु, कला, काष्ठा रूप संवत्सर तथा भूत समुदायों का, भूतों का, नदियों और समुद्रों का तथा पर्वतों, उन पर रहने वाले देवताओं, औषधियों और वनस्पतियों का जल से तर्पण करें। तर्पण के समय जनेऊ को बाएं कंधे पर रखें तथा दाएं और बाएं हाथ की अंजलि से जल देते हुए उपयुक्त देवताओं में से प्रत्येक का नाम लेकर त्रिप्यताम पद का उच्चारण करें। इसके बाद जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके आगे बताए जाने वाले पितृ संबंधी देवताओं और पितरों का तर्पण करें। कव्यवात अग्नि, सोम, वैवस्वत, अर्यमा, अग्निश्वात और सोमपा ये पितृ संबंधी देवता हैं। इनका तिल सहित जल से कुशाओं पर तर्पण करें और त्रिप्यताम पद का उच्चारण करें। तदनंतर पितरों का तर्पण आरंभ करें। उनका क्रम इस प्रकार है: पिता, पितामह और प्रपितामह तथा माता, पितामही और प्रपितामही। इनके सिवा गुरु, आचार्य, पितृश्वसा, मातृश्वसा, मातामही, उपाध्याय, मित्र, बंधु, शिष्य, ऋत्विज और जाति भाई आदि में से भी जो मर गए हो, उन पर दया करके उनका भी तर्पण करना चाहिए। तर्पण के पश्चात आचमन करके स्नान के समय पहने हुए वस्त्र को निचोड़ डालें। उस वस्त्र का जल भी कुल के मरे हुए संतानहीन पुरुषों का भाग है, वह उनके स्नान करने और पीने के काम आता है। पूर्वोक्त देवताओं तथा पितरों का तर्पण किए बिना स्नान का वस्त्र नहीं धोना चाहिए। जो मोहवश तर्पण के पहले ही वस्त्र को धो लेता है, वह ऋषियों और देवताओं को कष्ट पहुंचाता है। उस अवस्था में उसके पितर उसे शाप देकर निराश लौट जाते हैं। इसलिए तर्पण के पश्चात आचमन करके ही स्नान वस्त्र निचोड़ना चाहिए। तर्पण की क्रिया पूर्ण होने पर दोनों पैरों में मिट्टी लगाकर उन्हें धो डाले और फिर आचमन करके पवित्र हो कुशासन पर बैठ जाए और हाथ में कुशा लेकर स्वाध्याय आरंभ करे। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का स्वाध्याय करे। इतिहास और पुराणों के अध्ययन को भी यथाशक्ति न छोड़े। स्वाध्याय पूर्ण करके खड़ा होकर दिशाओं, उनके देवताओं ब्रह्मा जी, पृथ्वी, औषधि, वाणी, सरिताओं को तथा मुझे भी प्रणाम करे। फिर जल लेकर प्रणव युक्त नमो अभ्युदय यह मंत्र पढ़कर पूर्ववत जल देवता को नमस्कार करे। इसके बाद घृणी, सूर्य तथा आदित्य आदि नामों का उच्चारण करके अपने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम करे और प्रणव का जप करते हुए एकाग्र चित्त से उनका दर्शन करे। इसके बाद मुझे प्रिय लगने वाले पुष्पों से नित्य प्रति मेरी पूजा करे। युधिष्ठिर ने कहा, माधव, जो पुष्प आपको अत्यंत प्रिय हो उन सबका मुझसे वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, जो फूल मुझे बहुत प्रिय हैं, उनके नाम बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। कुमुद, करवीर, चणक, चंपा, मालती, जाति पुष्प, नंद्यावर्त, नंदीक, पलाश के फूल और पत्ते, दूर्वा, भृंगक और वनमाला, ये फूल मुझे विशेष प्रिय हैं। सब प्रकार के फूलों से हजार गुना अच्छा उत्पल माना गया है। उत्पल से बढ़कर पद्म, पद्म से शतदल, शतदल से सहस्त्रदल, सहस्त्रदल से पुंडरीक और हजार पुंडरीक से बढ़कर तुलसी का गुण माना गया है। तुलसी से श्रेष्ठ है वक पुष्प और उससे भी उत्तम है सौवर्ण। सौवर्ण के फूल से बढ़कर दूसरा कोई भी फूल मुझे प्रिय नहीं है। फूल न मिलने पर तुलसी के पत्तों से, पत्तों के न मिलने पर उसकी शाखाओं से और शाखाओं के न मिलने पर तुलसी की जड़ के टुकड़ों से मेरी पूजा करे। यदि वह भी न मिल सके
तो जहां तुलसी का वृक्ष रहा हो वहां की मिट्टी से ही भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करे। अब त्यागने योग्य फूलों के नाम बता रहा हूं, ध्यान देकर सुनो। किंकिणी, मुनि पुष्प, धुरधुर, पाटल, अति मुक्तक, पुन्नाग, नक्तमालिक, योधिक, क्षीरिका पुष्प, निर्गुंडी, लांगुली, जपा, अशोक, सेमल का फूल, ककुब, कोविदार, बैभीतक, पुरंटक, कल्पक, कालक, अंकोल, गिरिकर्णी, नीले रंग के फूल तथा एक पंखड़ी वाले फूल, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। आग के फूल तथा आग के पत्ते पर रखे हुए फूल भी वर्जित हैं। नीम के फूलों का भी परित्याग कर देना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, आपके भक्त कैसे होते हैं तथा उनके नियम कौन-कौन से हैं? यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मैं भी आपके चरणों में भक्ति रखता हूँ। भगवान ने कहा, राजन, जो दूसरे किसी देवता के भक्त न होकर केवल मेरी ही शरण ले चुके हो, वे ही मेरे भक्त कहे गए हैं। स्वर्ग और यश देने वाले होने के साथ ही जो मुझे प्रिय हो, ऐसे व्रतों का ही मेरे भक्त पालन करते हैं। भक्त पुरुष को जल में तैरते समय एक वस्त्र के सिवा दूसरा नहीं धारण करना चाहिए। स्वस्थ रहते हुए दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। मधु और मांस को त्याग देना चाहिए तथा मार्ग में ब्राह्मण, गौ, पीपल और अग्नि के मिलने पर उनकी प्रदक्षिणा करके जाना चाहिए। पानी बरसते समय दौड़ना नहीं चाहिए। खाली नमक नहीं खाना चाहिए तथा सौ भांजन और करंजन का भक्षण नहीं करना चाहिए। गौ को प्रतिदिन ग्रास अर्पण करे और अन्न में खटाई मिलाकर न खाए। दूसरे के घर से उठाकर आई हुई रसोई, बासी अन्न तथा भगवान को भोग न लगाए हुए पदार्थ का भी प्रयत्न पूर्वक त्याग करे। बहेड़े और करंज की छाया से दूर रहे। कष्ट में पड़ने पर भी ब्राह्मणों और देवताओं की निंदा न करे। चारों वेदों के विद्वान, क्रियापरायण और बुद्धिमान ब्राह्मण के शरीर में भी छह वृषल निवास करते हैं। क्षत्रियों के शरीर में सात, वैश्यों के देह में आठ और शूद्रों में 21 वृषलों का निवास माना गया है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और महामोह ये छह वृषल ब्राह्मणों के शरीर में स्थित बताए गए हैं। गर्व, जड़ता, अहंकार, ईर्ष्या, द्रोह, पारुष्य और क्रूरता ये सात क्षत्रिय शरीर में रहने वाले वृषल हैं। तीक्ष्णता, कपट, माया, षटता, दंभ, सरलता का अभाव, चुगली और असत्य भाषण ये आठ वैश्य शरीर के वृषल हैं। तृष्णा, खाने की इच्छा, निद्रा, आलस्य, निर्दयता, क्रूरता, मानसिक चिंता, विषाद, प्रमाद, अधीरता, भय, घबराहट, जड़ता, पाप, क्रोध, आशा, अश्रद्धा, अनावस्था, निरंकुशता, अपवित्रता और मलिनता ये 21 वृषल शूद्र के शरीर में रहने वाले बताए गए हैं। ये सभी वृषल जिसके भीतर न दिखाई दें, वही वास्तव में ब्राह्मण कहलाता है। अतः ब्राह्मण यदि मेरा प्रिय होना चाहे तो सात्विक, पवित्र और क्रोधहीन होकर सदा मेरी पूजा करता रहे। जिसकी जिह्वा चंचल नहीं है, जो धैर्य धारण किए रहता है और चार हाथ आगे तक दृष्टि रखते हुए चलता है, जिसने अपने चंचल मन और वाणी को वश में करके भय से छुटकारा पा लिया है, वह मेरा भक्त कहलाता है। ऐसे अध्यात्म ज्ञान से युक्त जितेंद्रिय ब्राह्मण जिनके यहाँ श्राद्ध में तृप्ति पूर्वक भोजन करते हैं, उनके पितर उस भोजन से पूर्ण तृप्त होते हैं। धर्म की जय होती है, अधर्म की नहीं। सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। तथा क्षमा की जीत होती है, क्रोध की नहीं। इसलिए ब्राह्मण को क्षमाशील होना चाहिए।